बैतूल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त ने लगाए खाकी वर्दी पर आरोप। देवगांव आदिवासी महिला ने पुलिस कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप। महिला ने कहा पुलिस कर्मियों ने उसके घर में घुसकर बुरी नीयत से की छेड़छाड़, कपड़े फाड़ दिए। आमला के पुलिस कर्मियों की शिकायत करने वाली महिला एवं उसके पति का आपराधिक रिकॉर्ड। महिला पर 4 आपराधिक मामले तथा पति पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के तहसील आमला से। आमला थाना अंतर्गत देवगांव निवासी एक आदिवासी महिला ने आमला थाना पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस कर्मियों ने उसके घर में घुसकर बुरी नीयत से छेड़छाड़ की, उसकी चूड़ियां तोड़ दी और कपड़े फाड़ दिए। जब उन्होंने थाने में शिकायत की धमकी दी तो पुलिस कर्मियों ने उसके पति को गैर जमानती अपराध में फंसाने की धमकी दी और जबरन 50,000 रुपए की मांग की। जब इस संबंध में थाना आमला प्रभारी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि शिकायत करने वाली महिला के पति के ऊपर थाना आमला में 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला मारपीट लड़ाई झगड़ा करने का, एक मामला विद्युत चोरी का, एक मामला NDPS का तथा 14 मामले आबकारी एक्ट के तहत थाना आमला में पंजीबद्ध है। वहीं शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ थाना आमला में 4 मामले आबकारी एक्ट के पंजीबद्ध है। बताया जा रहा है कि महिला का पति देवगांव में कच्ची शराब बेचने का धंधा करता है। विश्व सूत्रों से बताया कि शराब बेचने के साथ साथ महिला का पति गांजा बेचने का भी व्यवसाय कर रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर आमला पुलिस बल देवगांव पहुंचा तथा महिला के घर की तलाशी ली तथा पूछताछ के लिए महिला के पति को थाना लेकर आए थे। आमला पुलिस पर लगे आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया से चर्चा की तो उनका कहना है कि पुलिस कर्मियों पर लगे आरोपों की जांच SDOP से कराई जा रही है, शीघ्र ही सच्चाई सामने आएगी। पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने आगे कहा कि पूर्व में भी आमला पुलिस पर ऐसे ही आरोप लगाए गए थे जो जांच में गलत पाए गए थे। बताया जा रहा है कि इस महिला द्वारा पूर्व में भी इसी तरह पुलिस कर्मियों की झूठी शिकायत की गई थी। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। देवगांव से आपने कल जो अभी बैतूल में पत्रकारों को शपथ पत्र दिया था, हाँ। उसमें क्या मामला था वो आपका? ये 4 पुलिस वाले आए थे, रिमझिम बारिश हो रही थी मेरे घर पे, वो आए और बैठे और अचानक बोले कि श्यामलाल का, इन्होंने बोला कि मैं हूँ, तो उन्होंने इनको 2-3 थप्पड़ लगाए। जब मैं बीच करी तो उन्होंने मेरे पे भी हाथ करी, पीने खाने के बाद वो पी खा के आए थे, पता अच्छा। नहीं वो कहाँ से आए थे। अच्छा, उन्होंने ये मेरे हस्बैंड को उन्होंने मारा भी। तो वर्दी में थे क्या वो? नहीं, सिविल ड्रेस में थे। सिविल ड्रेस में, हाँ, थे। एक टी शर्ट थे और हाफ चड्डा पहन के आया था। अच्छा, और उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की। अच्छा, और जब मैंने उनकी वीडियो बनाई तो उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल लेकर उन्हें डिलीट कर दी। अच्छा। और फिर मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा गलत किया। यहाँ हम खेती किसानी पे ध्यान देते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग ये गलत काम नहीं करते। बंद कर दिया आपने काम? हम लोग बंद कर दिए। चलिए ठीक है, तो अभी आपकी शिकायत आप SP साहब ने सुनी है? हाँ। चलिए ठीक है ना, ठीक है। आमला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला द्वारा पुलिस के कुछ कर्मचारियों पर गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए हैं। आरोपों का परीक्षण किए जाने के लिए जांच SDOP को दी गई है और उन्हें बताया गया है कि अतिशीघ्र इन आरोपों की जो भी लगे हुए उसकी जांच करके जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, और जांच के दौरान यदि पाया जाता है कि कहीं कुछ गलती हुई है पुलिस विभाग से या किसी ने गलती करी है तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिनमें ये आरोप अभी लगाए हैं पुलिस के ऊपर, उनके पति के ऊपर लगभग 14 से 15 अवैध शराब बेचने से संबंधित और नारकोटिक्स के केसेस हैं, और स्वयं महिला के ऊपर भी 4 आबकारी एक्ट से संबंधित केसेस हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा स्टाफ के ऊपर आरोप लगाए गए थे जो कि जांच के दौरान सिद्ध नहीं हुए थे।